तो टीएमसी के जिस नेता के घर कल ईडी की टीम छापा मारने पहुंची थी उसका एक पुराना बयान भी सामने आया है, आपको हम सुनवाएंगे। बीजेपी आईटी सेल ने इस बयान को ट्वीट किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि शाहजहां शेख कह रहे हैं कि ईडी की टीम यहां आई तो उसके दांत तोड़ दूंगा। कौन है शाहजहां शेख, जरा देखिए, 24 परगना का विवादित आदमी है। कौन है शाहजहां शेख, इसके बारे में अपडेट कर रहे हैं। हालांकि फरार है अभी तक, मछली बेल्ट में भाई की पहचान है भाई के नाम से। 42 साल उम्र है, कभी मजदूरी किया करता था, फिर इस नेक्सस का पूरा हिस्सा हुआ, फिर तमाम नेताओं से संपर्क, ईंट भट्टों पर भी काम किया, लेकिन अब पैसों की बारिश और पूरे खेल में ये भी आरोपी भड़काने के नाम। जिस तरह से विवादित बयान आया कि दांत तोड़ दूंगा और फिर हमला हो जाता है, तो बीजेपी आईटी सेल ने दावा किया है कि यह बयान 1 जनवरी का है और 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची। सीबीआई रेडी, सीबीआई ईडी वादे सादरे बाल तो दूर को दांत चूर चले जाएगा, बीजेपी दलाल ने कान खुले दूर ने शुद्ध आमरा मानवता देखा है कि अपने संदेश के लिए मानुष चैलेंज करे बोलची आप सब समय शांति चाहे ওই দালাল মিথ্যাবর বেঈমান ওই কাদির ছোরেদের কথা শুনে যদি লাপালাপি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার তাপ आइए कुछ बयानबाजियां आपको सुनवा देते हैं। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं और हर एक पार्टी से सभी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसमें गिरिराज सिंह की भी एंट्री हुई है। वो कहते हैं कि बंगाल में किम जोन उनकी सरकार है, यानी कि नॉर्थ कोरिया से उन्होंने तुलना कर दी है। ममता बनर्जी से भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे भी मांग रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और ये आपको हम दिखा भी रहे हैं। वहां के राज्यपाल क्या क्या कह रहे हैं शिवानंद बोस, ये भी लिखकर आपको दिखा रहे हैं। जो हो रहा है रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेश खाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड बीजेपी जिसको चोर बोला था उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। करप्शन का डैम तो बना ही दिया वेस्ट बंगाल को, हर गली कूचे में देखिए जो कहीं ना कहीं कट मनी जो है चल रहा है और बड़े लेवल पे भी करप्शन हो रहा है ममता बनर्जी की सपोर्ट से। साथ साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को पूरे तौर से प्रोटेक्शन देके ममता बनर्जी ने रखा है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर कहीं पॉलिटिकल वायलेंस देखा गया है वो वेस्ट बंगाल में, और भी ममता बनर्जी के पूरे संरक्षण के साथ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ। लेकिन अब तो एक स्टेप और आगे बढ़ गए, करप्शन करने के बाद अगर ईडी के अधिकारी जाते हैं तो अधिकारियों पर हमला हो रहा है, ऐसा मिसाल कहीं नहीं देखा गया। इस खबर पर और क्या हलचल है, क्या गतिविधि आज पश्चिम बंगाल में, इसको समझने के लिए सीधा आप सभी को लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। सूर्याग्नि रॉय हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, आज किस तरह की हलचल है और क्या ये जो तनातनी है आज भी देखने को मिल रहा है, जब सुबह गिरफ्तारी हुई तो माहौल कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तस्वीरें भी दिखाएगा और पूरी जानकारी दर्शकों के बीच रखिए। देखिए, फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सही है और सुबह से कोई ऐसी घटना सामने आई है नहीं, लेकिन जैसे आप बता रहे थे आशुतोष के जब ईडी का जो स्टेटमेंट आया था कल रात को वो बहुत ही चौंकाने लायक था, जहाँ पे क्योंकि पहले जब हम कल वहाँ पे गए हमें ये आशंका थी और सुबह से इनपुट्स भी आई थी कि 200 के करीब लोग होंगे वहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे तोड़फोड़ की, लेकिन ईडी ने ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट दिया है उसमें साफ तरीके से लिखा है 800 से 1000 लोग थे वहां पे और उन्होंने मैन हैंडल किया ईडी के अफसरों को, ईडी के अफसरों के वॉलेट्स छीन लिए, उनके फोन छीनने की कोशिश की और फिर उनको मारा पीटा और गाड़ियां भी तोड़ दी। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ईडी के तरफ से और इसी के बीच जिस तरह से कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है कि
तृणमूल और बीजेपी के बीच में घमासान, एक वर्बल वॉरफेयर जिसे कहते हैं, वो तो हो ही जा रहा है। बीजेपी हर बार कल से ही एक ही चीज कह रही है कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो आशंका करते हैं कि वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या बसते हैं वहां पे, और उन्होंने ही एक प्लान्ड अटैक करके ईडी के अफसरों को जो है वो हमला किया। तृणमूल का दावा वही है कि ईडी को पहले पुलिस को बताना चाहिए था, बिना पुलिस को बताए हुए अगर वो जाएंगे कहीं पे कुछ झड़प हो जाती है तो उन्हें बचाने जाएगा कौन, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस के हाथ में है, स्टेट सब्जेक्ट है। इसी बीच सबसे डेवलपिंग जो इवेंट हुआ है कि 3 एफआईआर हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक सुओ मोटो एफआईआर भी किया है उस मॉब के खिलाफ, अननोन के खिलाफ, और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने ईडी के अफसरों पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे हमला किया। उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अभी चल रही है। बहुत शुक्रिया सूर्याग्नि इस खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी कह दिया है कि बंगाल में संविधान पर हमला हुआ है। कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देश अनुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं बल्कि ये पूरी संविधान के ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। इस विषय में निशित प्रमाणिक जो केंद्र के प्रतिमंत्री है वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में फेडरलिज्म वाली बात ही चीज ये चीज ही नहीं है। तो निशित प्रमाणिक से हमें ये पूछना है कि आपके कूच बिहार में फेडरलिज्म आपको दिखा? आपको पश्चिम बंगाल में फेडरलिज्म दिख रही है जब आती है मनरेगा के बारे में? आपने जिस क्षेत्र से आप निर्वाचित हैं कूच बिहार से, वहां की जनता को मनरेगा का फंड्स मिल रहे हैं कि नहीं? तो फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। आप केंद्र से पूछिए कि फेडरलिज्म माने सेंटर और स्टेट को दोनों एक संग काम करना है, तो स्टेट के पास तो फंड अभी रेडी है लेकिन सेंटर से अभी तक फंड नहीं आया। राजनीतिक कारणों की वजह से बंगाल को वंचित किया जा रहा है, तो कहां गई फेडरलिज्म आपकी?